हेलो गाइस, और बहुत दिनों के बाद आज ये मोतिहारी से पटना के लिए निकले हैं और हम लोग की कार बाहर लगी हुई है और हम लोग होटल में अभी बैठे हुए हैं। अब हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, दिन के करीब 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिली पनीर रोटी। और हम लोग का आ गया है खाना और देखिए चिली पनीर है, पनीर भी काफ़ी बड़ा होता है इसका और ताज़ा भी रहता है। देखिए बड़ा बड़ा पीस है काफ़ी। रोटी है तंदूरी रोटी और हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना काफ़ी बढ़िया था। और ये रहा होटल न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट, हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे रुक के खाना खाते हैं और ये तीसरी बार हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हाईवे है और ये जाता है पटना की ओर और ये पीछे का माता का मंदिर, तो यहाँ पे लोकेशन भी ज़बरदस्त है। तो अब हम लोग बस 2 मिनट रुक करके और बस निकल रहे हैं पटना की तरफ और पहले मुजफ्फरपुर आएगा, फिर वहाँ से हम लोग हाजीपुर होकर के पटना जाएंगे। ऐसे मोतिहारी से पटना 155 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ 70 की स्पीड पे, अब बस अब मुजफ्फरपुर आ ही रहा है, बस उधर जो आने वाला है और दिन के बज रहे हैं 3:30। ये सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं और सर्दी के बाद जो है गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई है, इसकी स्पीड जो है और इसका पिकअप जो है काफ़ी बढ़िया हो गया है। और मुजफ्फरपुर से आगे हम लोग आ गए हैं बाईपास पे और यहाँ से हम लोग ने लेफ्ट टर्न लिया है और सीधे जाएंगे तो सीधे बरौनी पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट टर्न। इधर रेलवे गुमटी पास में है, ये मीरापुर शहर में चला जाता है और देखिए ऊपर से ये जो रास्ता जा रहा है वो चला जाता है बरौनी। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी से ही सनसेट होना शुरू हो गया है, देखिए आसमान बिल्कुल लाल हो गया है। और यहाँ से हम लोग पटना जा रहे हैं डिगापुर होकर के, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक हाजीपुर रेलवे स्टेशन होकर जाता है एक और एक ब्रिज होकर के जाता है, तो ब्रिज होकर जाएंगे और हम लोग वहाँ पे जाम नहीं मिलेगा और जल्दी पटना पहुँच जाएंगे डिगापुर होकर के। और नीचे सामने हाजीपुर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, तो काफी जाम मिलता है और हम लोग जा रहे हैं सीधे और हम लोग हाजीपुर से टर्न ले लिए हैं और जा रहे हैं दीघा ब्रिज। और हम लोग ने रास्ता चुना है डायरेक्ट, मतलब कि हम लोग हाजीपुर रेलवे स्टेशन होके नहीं जा रहे हैं और हम लोग लालू चौक होके जाएंगे। देखिए रास्ता कितना ख़राब है, आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब कितना इम्पोर्टेंट ये रोड है, तब भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, हमेशा टूटा ही रहता है, बहुत दिन से ऐसे टूटा हुआ है। मेन जो गांधी सेतु उसको अवॉइड इसलिए करते कि वहाँ पे कभी कभी भारी जाम मिल जाता है, उसके बाद भी जाम रहता है, तो ये रास्ता तो जाम भरा नहीं है लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है। और देखिए रास्ते की हालत, और आ गया हूँ जेपी सेतु पे और पटना में एक साइड में है गांधी सेतु और एक साइड में है जेपी सेतु जो नया बना है, इसे दीघा ब्रिज भी बोलते हैं। और हम लोग लालू चौक से लेफ्ट बढ़ गए हैं जेपी सेतु के लिए, वो देखिए सामने है जेपी सेतु और यहाँ पे जेपी सेतु का बोर्ड लगा हुआ है। गांधी मैदान है 17 किलोमीटर है, घोड़दर है 16 किलोमीटर। और देखिए लोग चढ़ चुके हैं जेपी सेतु पे, शाम को कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। लोग जेपी सेतु क्रॉस कर चुके हैं, पुल क्रॉस करने के बाद से दो ऑप्शन है, आप सीधे एम्स होके भी पटना जा सकते हैं और यहाँ पे आप जब लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप दीघा होकर के भी पाटलिपुत्र जब जा सकते हैं। लेफ्ट टर्न लिया है और ये आ गया अटल पथ और ये नया फ्लाईओवर बना है पटना में और पहले इसके नीचे जो था रेलवे लाइन था, रेलवे लाइन की जमीन को लेकर के इसको
बनाया गया है अटल पथ, मैंने फ्लाईओवर बनाया गया है और इसी के नीचे जो है मेट्रो का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और पटना में खाने आ गए हैं कैफ़े में और इसका नाम है मोमो नेशन कैफ़े। अभी उन्होंने ऑर्डर दे दिया है फ्राई मोमो और स्टीम मोमो दोनों का। तो हम लोगों ने बहुत सारा मोमो का आइटम खाया, वेज और नॉन वेज दोनों, और बिल आया चार आदमी में सिर्फ 900 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना टेस्टी और इतना बढ़िया मोमो था यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग दोबारा और तिबारा यहाँ पे आते हैं। और ये लोकेशन है बोरिंग रोड में ही। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।